कांग्रेस पार्टी में बंपर भर्तियों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि 3700 पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। कांग्रेस के बिकाऊ नहीं टिकाऊ वाले बयान को लेकर नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस यह सही कह रही है क्योंकि कांग्रेस तो चल नहीं पाती है, टिकाऊ सिर्फ भाजपा ही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 3700 पदाधिकारियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अकेले दतिया विधानसभा में ही 10 से 15 महामंत्री हैं। कांग्रेस के बिकाऊ नहीं टिकाऊ वाले बयान को सही ठहराते हुए नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस सरकार चला नहीं पाती, चाहे वह मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की। टिकाऊ अगर कोई है तो वह भाजपा है। दिल्ली में भी टिकी है और यहाँ भी टिकी है। दिग्विजय सिंह के लगातार आ रहे ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने व्यंग कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह उम्र दराज व्यक्ति हैं, इसीलिए ट्विटर पर ही काफी हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट का असर बीजेपी में तो नहीं हो रहा, बल्कि अब तो उनकी पार्टी में भी उनका असर खत्म हो रहा है। 3700 पदाधिकारी हैं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन मध्य प्रदेश कांग्रेस का है, विश्व का, जहाँ इतने पदाधिकारी हैं। मेरे दतिया में ही 10-5 प्रदेश के महामंत्री हैं, एक विधानसभा में प्रदेश के महामंत्री 10-5 के, देखो एक विधानसभा में ही प्रदेश लेवल के 10 पदाधिकारी हैं, तो मध्य प्रदेश का आलम क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। बिल्कुल सही कह रही है, सच कह रही है वो, क्योंकि टिकाऊ तो भाजपा ही है, ये तो चला ही नहीं पाते, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। तो हम तो कह रहे हैं सही कह रही है, टिकाऊ अगर कोई है तो वो भाजपा है। दिल्ली में भी टिकी है और यहाँ भी टिकी है। अब उम्र दराज व्यक्ति हैं, इसलिए ट्विटर पर ही काफ़ी है। असर कितना होता है ये तो वक्त के, भविष्य के गर्त में है, पर मेरी ऐसी मान्यता है कि उनकी पार्टी में ही असर लगभग समाप्त हो गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।